अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो कैसी हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दो कमाल के और टॉप लेवल के स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, जो कि एक तरफ टेक्नो है, एक तरफ इन्फिनिक्स है, और देखने वाले हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन्स की पावर कितनी ज्यादा है और किसमें ज्यादा वैल्यू देखने को मिलती है, और स्मार्टफोन में कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेस्ट होने वाला है। और देखा जाए तो हमें प्राइस के अंदर ज्यादा देखने को हमें कौन सा मिल रहा है, और कितनी प्राइस के अंदर हमें बाय करना चाहिए, और किस स्मार्टफोन में ज्यादा स्पेसिफिकेशन कम प्राइस के अंदर देखने को मिली है। तो वीडियो तक देखते रहिएगा, इन दोनों डिवाइसेस के बारे में आपके तमाम डाउट क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास टेक्नो कैमन 19 प्रो मौजूद है, जिस स्मार्टफोन का डिजाइन देख के, लुक देख के हमें ये लगता है कि ये काफी पावरफुल डिवाइस होने वाली है। और इस स्मार्टफोन में हमें कैमरा भी तबाही का देखने को मिल रहा है, और उसमें हमें गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी हद तक अच्छी ही देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, हर चीज आपको टॉप लेवल पर अब देखेंगे कि जिस तरह के हमें इन्फिनिक्स नॉट 12 VIP देखने को मिला है ना, तो इस तरह ही हमें ये स्मार्टफोन्स भी काफी पावर के अंदर देखने को मिलेगा। अब टेक्नो ने इस तरह इन्फिनिक्स की तरह ही ये स्मार्टफोन लॉन्च करना है, जो कि एक पावर के अंदर लॉन्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करेंगे, और ऐसा कंपैरिजन करेंगे जिसमें आपको पता चल सके कि हमें कौन सा फोन और कौन सा आपको फोन और डिवाइस लेनी चाहिए। देखें, अगर आपके जहन में ये चीज होगी तो आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि हमारे पास कौन सी डिवाइस बेस्ट डिवाइस होने वाली है। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि कौन सी डिवाइस की तरफ आपको जाना चाहिए। देखिए, आपके पास बहुत ऐसे डिवाइसेस आ जाएंगे लेकिन आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन आज की इस वीडियो में आप खुद डिसाइड भी कर पाओगे। जी हां, अभी दोस्तों बात करेंगे टेक्नो कैमन 19 प्रो के बारे में। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस का फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आपको AMOLED पैनल देखने को मिलेगा, और इस स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की आपको काफी हद तक वैल्यू देने वाली स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल रही है। यकीनन दोस्तों, जिस तरह का पैनल दिया गया, जिस तरह का रिफ्रेश रेट दिया गया, तो ये काफी हद तक अच्छी ही डिवाइस होने वाली है। लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास इन्फिनिक्स नॉट 12 VIP मौजूद है, और इस स्मार्टफोन का आपको 6.7 इंचेस का फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है। लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है, और इसी में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर सिर्फ हमें डिस्प्ले साइज 2 इंच का फर्क देखने को मिला, जो कि काफी बड़ी स्क्रीन होने वाली है स्मार्टफोन की। अगर देखा जाए तो गेमिंग के लिए हमें बड़ी स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तब हम अपने स्मार्टफोन में गेमिंग को अच्छे तरीके से रन कर पाते हैं, खेल पाते हैं। लेकिन यहां पर अब बात करेंगे परफॉर्मेंस वाइज की। अब जिस स्मार्टफोन में आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाए, अब देखें यहां पर डिजाइन लुक तो आपको बिल्कुल अच्छा ही देखने को मिल रहा है दोनों डिवाइसेस के अंदर, लेकिन एक चीज क्लियर यहां पर ये होनी चाहिए कि अगर आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस अच्छी है ना, तो आपका स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी होगा। क्योंकि अगर आपके स्मार्टफोन का इंजन ही अच्छा नहीं होगा तो आपके स्मार्टफोन में क्या अच्छा होगा। लेकिन यहां पर बात करेंगे परफॉर्मेंस वाइज की, तो टेक्नो कैमन 19 प्रो के अंदर आपको एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इसमें जो चिपसेट दिया जाएगा वो एस्पेक्ट नहीं है कि हमें कौन सा देखने को मिलेगा। यकीनन दोस्तों, अगर आपको इन्फिनिक्स नॉट 12 VIP के अंदर अगर आपको इससे इंप्रूव देखने को मिले टेक्नो में, तो आप टेक्नो कैमन 19 प्रो की तरफ जाइएगा, क्योंकि इसमें अगर आप चिपसेट आपको वजनी देखने को मिलना चाहिए, काफी इंप्रूव देखने को मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाए, मतलब इन्फिनिक्स नॉट 12 VIP के जैसा आपको चिपसेट देखने को मिल जाए या इससे कम देखने को मिले, तो आप कभी भी उस तरफ ना जाइएगा। बाकी दोस्तों, बात करते हैं अब इन्फिनिक्स नॉट 12 VIP की, तो स्मार्टफोन में हमें ड्राइव 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो चिपसेट है वो मीडियाटेक हेलियो G96 का देखने को मिलता है। अगर इससे आपको इंप्रूव देखने को मिले तो आप टेक्नो कैमन 19 प्रो की तरफ जाइएगा, लेकिन अगर आपको सेम या नीचे देखने को मिल जाए तो आप कभी भी ना जाइएगा। बाकी दोस्तों, बात करते हैं अब इन दोनों स्मार्टफोन की कैमरे वाइज की, अब कैमरा किस में आपको ज्यादा देखने को मिलता है ये चीज क्लियर करते हैं। बाकी दोस्तों, अगर बात करें मैं टेक्नो कैमन 19 प्रो की तरफ, तो इस स्मार्टफोन के बैक साइड पे आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो मेन सेंसर है वो आपको देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल का, लेकिन सेकंड आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, थर्ड आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, और इसकी जो सेल्फी है वो आपको 16 मेगापिक्सल के अंदर देखने को मिल जाती है। इसमें काफी अच्छा कैमरा रिजल्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, सेल्फी भी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ आए इन्फिनिक्स नॉट 12 VIP के अंदर, तो स्मार्टफोन के बैक साइड पे आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो मेन सेंसर है वो आपको 108 मेगापिक्सल के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, स्मार्टफोन का जो सेंसर है वो आपको अच्छी क्वालिटी के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 13 मेगापिक्सल के अंदर आ रहा है, और स्मार्टफोन में जो थर्ड है वो आपको 2 मेगापिक्सल, लेकिन सेल्फी आपको सेम
रिजल्ट आपको सेम, क्वालिटी आपको सेम, जो कि 16 मेगापिक्सल इन्फिनिक्स नोट वाला वीआईपी के अंदर आ रहा है। तो ये चीजें थी दोस्तों जो कैमरे वाइज हमें इतना फर्क नहीं देखने को मिला, ये समझ लें काफी हद तक हमें सेम देखने को मिला। लेकिन इन्फिनिक्स नोट वाला वीआईपी के अंदर आपको सेंगर जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव देखने को मिला, बाकी जितने भी कैमरे वो हमें सेम ही देखने को मिले। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं इन दोनों स्मार्टफोन्स के वेरिएंट की, तो यहां पर दोस्तों जो टेक्नो की डिवाइस है इसमें आप में दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 8GB रैम के साथ 128GB है और 8 के साथ 256GB है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन्फिनिक्स के, तो स्मार्टफोन में हमें एक वेरिएंट अभी एस्पेक्ट है कि 8GB रैम के साथ 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो ये डिवाइस जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक या दो दिन के अंदर जरूर आ जाएगी, जो कि लॉन्च होने ही वाली है, जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर इस सीरीज को लॉन्च कर दिया, जो कि पाकिस्तान में इन्फिनिक्स नोट 12 भी आ चुका है, जिसकी अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप उसको देखना चाह रहे हो तो देख सकते हो। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं इन दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी की, तो आपको काफी हद तक अच्छी ही देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर चार्जर पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा चार्जर देखने को मिला, कितनी अच्छी वैल्यू देने वाला चार्जर होगा। तो यहां पर दोस्तों जो हमारे पास टेक्नो गैमा 19 प्रो है, स्मार्टफोन में हमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और स्मार्टफोन में हमें 67W की फास्ट चार्जिंग या तो हमें 120W की फास्ट चार्जिंग, इनमें से दो देखने को मिलेगी। अगर हमें 67W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिली तो इस तरफ ना जाइएगा। अगर दोस्तों आपको इसमें बैटरी जो है वो 5000 देखने को मिल जाए ना, तो उम्मीद करूंगा कि ये डिवाइस काफी पावरफुल होने वाले। लेकिन यहां पर डिपेंड ये करता है कि आपको चिपसेट इंप्रूव देखने को मिलना चाहिए, और ये भी चीज क्लियर होनी चाहिए कि स्मार्टफोन में जो आपको चिपसेट है ना वो इससे सेम ही देखने को मिल जाए, तो ये काफी हद तक अच्छे ही देगा, क्योंकि बैटरी आपको काफी अच्छी देखने को मिली है। लेकिन जो इन्फिनिक्स नोट 12 वीआईपी है ना, स्मार्टफोन में आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिली, लेकिन यहां पर हमें 120W की फास्ट चार्जिंग। आपके स्मार्टफोन में अगर बैटरी कम होगी ना, तो फौरन आपका स्मार्टफोन चार्ज लगाओगे और फौरन कुछ मिनट्स के अंदर आपका स्मार्टफोन चार्ज होगा, हकीकत भी है। यहां पर दोस्तों ये डिवाइस काफी पावरफुल के अंदर आ रही है, इन्फिनिक्स नोट 12 वीआईपी, जो कि आपको डिजाइन के अंदर, लुक के अंदर एक कमाल की डिवाइस होने वाली है। और देखा जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज क्लियर की है कि अगर चिपसेट आपको सेम देखने को मिल जाए, तो आपने जाना है इन्फिनिक्स नोट 12 वीआईपी के अंदर, क्योंकि इसमें आपको काफी हद तक चिपसेट अच्छा दिया गया, गेमिंग अच्छी दी गई और साथ में स्क्रीन का साइज भी अच्छा दिया गया। और एक खास बात यह भी है कि स्मार्टफोन का सेकंड कैमरा इंप्रूव है उससे, लेकिन ये चीज है, बाकी अगर आपको जो चार्जर है वो भी आपको इंप्रूव दिया गया, तो ये चीज आपको डिसाइड करके बता दिया कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। बाकी दोस्तों आप खुद भी डिसाइड कर पाओगे कौन सा फोन लेना है, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं कि वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाना, बाकी चैनल तो सब्सक्राइब करके रखते ही माशाल्लाह जी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।